तो हाँ बच्चों, आप लोगों के बीच में हम फिर आ चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस के सीबीएसई बोर्ड के 10th क्लास के क्वेश्चन नंबर 14 को लेकर के, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रश्न में बताया गया है ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 degrees। After some time, the angle of elevation reduced to 30 degrees. See figure 9.13. Find the distance traveled by the balloon during the interval. यही आपको calculate करना है। इसमें प्रश्न में ये बता रहा है कि 1.2 मीटर की एक लंबी लड़की है, 1.2 मीटर की एक लंबी लड़की है जो अपनी आंख से एक उड़ते हुए गुब्बारे को बिंदु डी पर देखती है। उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वह 60 डिग्री का बन रहा है और वह बैलून ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बीत जाने के उपरांत जब वह लड़की उस गुब्बारे को देखती है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसकी आंख के साथ वह 30 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस, उस दूरी को कवर करना है, उस दूरी को कैलकुलेट करना है Find the distance traveled by the balloon during the interval. इस समय अंतराल में जो गुब्बारा बिंदु डी से बिंदु एफ तक पहुंचता है इसी के बीच की दूरी आपको कैलकुलेट करनी। डी एफ सी ई के बराबर है बेटा, किसके बराबर है? CE के बराबर, इसलिए कि जो गुब्बारा है वो हॉरिजॉन्टली जो है घूम रहा है, क्षैतिज एकदम घूम रहा, एक लेवल में जा रहा। तो CE जो है DF के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, इस फिगर की सापेक्ष इसी फिगर को हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया है, प्रत्येक पॉइंट को लोकेट किया है। तो अब इसका आंसर आपको देना है तो पहले आप आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आंसर। आंसर में क्या लिखना है? लेट्स DF is distance DF is distance which
which traveled by the balloon during the interval माना कि DF वह डिस्टेंस है जो कैलकुलेट करनी है और यही दूरी उस समय अंतराल की है जब एक लड़की अपनी आंख से उसी बैलून को डी बिंदु पर देखती है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री बनता है। जब उसी बैलून को एफ बिंदु पर देखती है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वह 30 डिग्री बनता है। तो अब इन ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर वन इन ट्रायंगल ए सी डी टैन 60 बराबर किसके हो जाएगा टैन 60 बराबर डीसी अपान एसी के डीसी अपान एसी। अब डीसी क्या है डीसी इज इक्वल टू द EF इज इक्वल टू द 87 मीटर। ये कैसे आया DC निकालने के लिए आपको 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो 87 मीटर आ जाएगा। क्योंकि ग्राउंड से एफ तक की जो दूरी है वो 88.2 मीटर है तो 1.2 जब घट जाएगा तो 87 मीटर आ जाएगा। अब टैन 60 का मान होता है करण इन 3 और डीसी का मान हो गया 87। अपान एसी के यही लिखोगे ना तो अब एसी बराबर किसके हो जाएगा एसी बराबर 87 अपान अंडर रूट 3। इसको रेशनलाइज कर लोगे तो अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा लग जाएगा ये बराबर हो जाएगा 87 अपान 3 अंडर रूट 3 3 दूना 6 3 नवा 87 29 अंडर रूट 3। एसी का मान कितना आ गया 29 अंडर रूट 3 आ गया। अब आपको निकालना है इन ट्रायंगल ए एफ ई में
इन ट्रायंगल एएफईबी साइन 30 बराबर हो जाएगा ईएफ अपान एई के, या एई बराबर हो जाएगा ईएफ अपान साइन 30, या एई बराबर हो जाएगा ईएफ का मान कितना है, ईएफ जो है ये 87 है, तो 87 अपान 1/√3 हो जाएगा, एई बराबर हो जाएगा 87√3, ये अंडर रूट तीन ऊपर चला जाएगा। अब यहां से यहां तक का मान कितना आया, 87√3, यहां तक का मान आ गया, ठीक। यहां भी 87√3 आ गया। अब हमको सी ई निकालना है, तो सी ई बराबर हो जाएगा, सी ई बराबर ए ई माइनस ए सी, तो सी ई बराबर ये है आपका ए जो है आपका 87√3 -29√3, हाँ। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सी ई बराबर 87√3 -29√3, तो सी ई बराबर 87 में से 29 घटाओगे तो 58√3 आ गया। अब सी ई जो है ये बराबर है डीएफ के, किसके बराबर है, सी बराबर है डीएफ के, तो डीएफ बराबर हो जाएगा 58√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ जाना चाहिए, ओके, ठीक। अब बच्चों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखिए, ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्ड ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 degrees which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब ये जो है आपका प्रश्न है और इसको आपको खूब कायदे से समझना। ये कह रहा है कि
एक स्टेट हाईवे है। अब चित्र हम बना करके आपको समझाते हैं, चित्र बना के समझा रहे हैं। एक हाईवे है, एक हाईवे है और एक हाईवे है देखिए, इस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। एसी हाईवे है, बिंदु ए पर एक कार खड़ी है, बिंदु ए पर एक कार खड़ी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे 30 डिग्री का बनता है, तो चूंकि यह एकांतर कोण है इसलिए ये कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। और जब बता रहा है कि 6 सेकेंड के बाद जब यूनिफॉर्म मोशन से चलती हुई कार ए से बी पर पहुंचती है, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये पूरा हो जाता है, ये 60 डिग्री का बन जाता है। यहाँ 30 डिग्री का है और पूरा जो है 60 डिग्री का बन जाता है। या इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये कोण जो है आपका 30 डिग्री का है और ये पूरा कोण जो है आपका 60 डिग्री का। जब ये 60 का है, चूंकि ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं, पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसलिए ये कोण जो है इसके बराबर होगा, ये जो है वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है कि 6 सेकेंड बाद जब कार बिंदु ए से बी पर पहुंचती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है डी डिप्रेशन वो जो है 60 डिग्री का हो जाता है। तो अब ये कैलकुलेट करना है कि बिंदु बी से ये टावर है आपका, बिंदु बी से ये सीडी टावर, बिंदु बी से सीडी के टावर सी तक की जो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से बिंदु बी से सी तक पहुंचने में कार द्वारा क्या समय लगेगा, इसी को कैलकुलेट कर। इसको हम मान लेते हैं टी, और जो टावर है इसका जो हाइट है उसको हम एच मान लेते हैं। टावर की हाइट को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो आंसर में आपको लिखना होगा ANS, क्या लिखना होगा,
DC is an tower. DC is an, यहां पे लेट्स करके लिखना होगा. Let's, DC is an tower hence DC is equal to the EH. In triangle ACD in triangle ACD में नहीं बी सी डी में ए सी डी नहीं इन ट्रायंगल बी सी डी में इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल बी इज इक्वल टू द नाइन एंगल बी इज इक्वल टू द 60 degree एंड एंगल C is equal to the 90 degree. So, tan 60 बराबर H upon T के. H upon T के. तो, H बराबर किसके हो जाएगा? एच बराबर टी टेन 60 तो एच बराबर हो जाएगा टी टेन 60 का मान अंडर रूट 3 होता है. अब इन ट्रायंगल एडीसी एंगल सी is equal to the 90 degree, angle A is equal to the 30 degree. So, tan 30 barabar H upon 6 plus T ke. Isliye ki एस डी सी अपान ए सी हो जाएगा और ए सी जो है 6 प्लस टी के बराबर होगा क्योंकि ये दूरी 6 है ये दूरी टी है तो 6 प्लस टी के हो जाएगा. तो टेन 30 को आप लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू द एच अपान 6 प्लस टी के या अंडर यहाँ पे देख लो अंडर रूट 3 इंटू एच बराबर 6 प्लस टी के. अब एच का मान टी रूट 3 है तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू टी बराबर 6 प्लस टी के. तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा हो जाएगा 3t. अब इस t को इधर ले आ दोगे तो माइनस टी बराबर 6 के हो जाएगा 2t बराबर 6 के. हेंस टी बराबर 6/2 बराबर 3 सेकंड. तो 3 सेकंड में इन 3 सेकंड में वह कार बी बिंदु से फुट ऑफ टावर तक पहुंच जाएगी.
तो आंसर में आप लिखेंगे आफ्टर आफ्टर 3 सेकंड आफ्टर 3 सेकंड कार रीच इन द फुट ऑफ टावर हेंस आंसर ओके ये समझ में आ गया होगा अब आप लोगों तो बच्चों इस तरह से ये सवाल जो आपको बहुत ही उपयोगी हैं इनको आप बखूबी ध्यान से पढ़ेंगे ठीक तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ रहे हैं कि पढ़ करके आप बहुत बड़े से बड़े कंपटीशन को क्वालिफाई करें मेरा उद्देश्य है कि आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाओं को क्वालिफाई करेंगे तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उनको बिना जाने बेटा आप सफल नहीं हो पाएंगे वो महत्वपूर्ण फार्मूले क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री से जो महत्वपूर्ण सारे फार्मूले हैं मेरा विचार है कि सत्र में क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है 10th क्लास का तो आप लोगों को सारे उन सूत्रों को बता दें बारीकियों को बता दें जिससे आप आसानी से हर प्रश्नों को हल कर लें देखिए अब जो कंपटीशन है उसमें सीधे प्रश्न तो पूछे नहीं जाते हैं बेटा उसमें जो भी प्रश्न है वो घुमा करके पूछे जाते हैं जैसे हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर पी अपान क्या बताया था पी अपान एच कॉस थीटा बराबर बी अपान एच टैन थीटा बराबर किसके बताया था पी अपान बी की तो इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर एच अपान पी के सेक थीटा बराबर एच अपान बी के पार्ट थीटा बराबर बी अपान पी के फिर मैंने बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक के कॉस थीटा
इंटू सेक थीटा बराबर एक के, टैन थीटा इंटू काट थीटा बराबर एक। फिर हमने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक के। फिर बताया था वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर एक के। फिर हमने बताया था आपको, क्या बताया था, वन प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां तक बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, तो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। कॉस थीटा बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। टैन थीटा बराबर किसके होता है, टू टैन थीटा अपान वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। अब देखो बेटा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टैन थीटा बाई टू बराबर टू टैन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई टू। यहीं पे हम एक चीज और आपको बता देना चाहते, अगर यहाँ पे थीटा की जगह टू थीटा लिख दोगे तो साइन टू थीटा हो जाएगा, साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा बा थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस टू थीटा लिख दोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के हो जाएगा, यहाँ पे टैन टू थीटा लिख दोगे तो टू टैन थीटा अपान वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो यहाँ पे भी कॉस टू थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस टू कॉस टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये टू थीटा है, यहाँ ये सब टू थीटा है, नहीं यहाँ पे थीटे है, यहाँ जो है क्या है कॉस थीटा है, ठीक टू साइन स्क्वायर थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन के। यहाँ पे आप कॉस टू थीटा लिखोगे तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये सारे फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना हो, और बिना याद किए जो है आपका पिंड छूटेगा नहीं, इन्हीं से घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी बता देना चाहते हैं, जैसे जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, टोटल अलजबरा के जो आप सूत्र याद किए हो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सारे फार्मूले इसमें अटैच होते हैं, जुड़ करके उन्हीं पर जो है क्वेश्चंस बनते हैं और वही कंपिटेटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्न बेटा कतई नहीं पूछा जाएगा, ये अपने दिमाग से निकाल। अब एक फार्मूला और महत्वपूर्ण है जो आपको अभी नहीं बताए हैं, उनको भी जान लो। टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो? टैन ए प्लस टैन बी अपान वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। अब टैन ए माइनस बी बराबर टैन ए माइनस टैन बी अपान वन माइनस टैन ए इंटू टैन, वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी। समझ में आया? ये सब महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, और बिना याद किए अगर आप सोचो कि पिंड छूट जाए तो यह आपके दिमाग का एक ठी भरम है, बाकी वो आपको याद ही करना पड़े। जैसे कह दिया गया काट ए प्लस बी बराबर किसके होगा, तो आपको लिख देना पड़ेगा काट ए काट बी माइनस वन अपान काट ए प्लस काट बी। समझ में आया? इसी तरह से काट ए माइनस बी बराबर पूछ देगा तो क्या लिखोगे? कुछ नहीं करना है, काट ए काट बी माइनस वन अपान काट बी माइनस काट ए काट बी माइनस काट ए। अब टैन ए का हो गया, टैन ए प्लस बी का हो गया। अब अगले फार्मूले पर चलते हैं। जैसे कह दिया गया कि साइन ए प्लस बी किसके बराबर हो, तो आप लिखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए माइनस बी बराबर किसके होगा? ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस ए कॉस ए साइन बी के। इसी तरह से अब कॉस ए प्लस बी भी होगा, कॉस ए प्लस बी को क्या लिखेंगे? कॉस ए प्लस बी को लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी
minus sine A into sine B. फिर cos A minus B किसके बराबर लिखेंगे? cos A minus B बराबर लिखेंगे आप cos B minus sin A minus नहीं plus sin A into sin B. ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक. अब इसी तरह से a प्लस बी के ये टर्म्स आपके हो गए. एक प्रश्न और आता है, एक सूत्र है कि अगर दिया गया हो कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, क्या दिया गया हो, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी को क्या लिखोगे? इसको लिखोगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस माइनस साइन स्क्वायर बी के. किसके लिखोगे? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के. अब इसी को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. ये सूत्र हैं आपको याद करने होंगे. फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर किसके होगा? बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की. और इसको बराबर किसके लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए. इन सारे सूत्रों को बेटा आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं पर आधारित प्रश्न जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाओं में, पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं में और आपके बोर्ड की परीक्षाओं में और आपके इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में, एनडीए की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे. बिना इनके आपका काम चलने वाला नहीं है. इनसे अगर आप कतराओगे तो समझ लो कि आप दूर ही भागोगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न और उत्तर तो आप हल ही कर लोगे, लेकिन बिना इनके बेटा आपका काम आगे बढ़ नहीं पाएगा. कुछ मैंने बताया था कि एक और फार्मूला होता है साइन माइनस थीटा. अगर है, क्या है? साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा लिखोगे और कॉस माइनस थीटा है अगर, क्या है ये सब समझ लो. कॉस माइनस थीटा है तो इसको कॉस थीटा लिखो. टैन माइनस थीटा है, टैन माइनस थीटा है तो माइनस टैन थीटा लिखोगे. काट माइनस थीटा है तो माइनस काट थीटा लिखो. कॉसेक माइनस थीटा है तो माइनस कॉसेक थीटा लिखो.
sec माइनस थीटा है तो इसको आप sec थीटा लिखो। cos और sec को छोड़ करके बाकी सब के माइनस थीटे में अगर कोई चीजें आती हैं तो माइनस, जैसे cos माइनस थीटा आता है तो इसको cos थीटा लिख सकते हो, लेकिन अगर sin माइनस थीटा आता है तो उसको माइनस sin थीटा ही लिखा जाएगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण सवाल प्रश्न हैं, उनको भी हम आपको बता देना चाहते हैं। वो क्या है उनको भी देख लो। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा के, कास 90 माइनस थीटा बराबर कास, नहीं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा के, और कास 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा के, ठीक, टेन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा के, काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। समझ में आया? इसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर साइन, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा के, कॉसेक 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा के। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा के, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये अब एक और है उसको भी बता देते हैं। देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, यहां पे समझ लो आल पॉजिटिव एस्टक, आल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव और कास पॉजिटिव, इसका ये फार्मूला है। तो 90 प्लस में जब चलोगे तो यहाँ 90 है, प्लस में आओगे तो इसमें आओगे, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा के, और कास 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा के। टेन 90 प्लस थीटा बराबर काट थीटा के, माइनस काट थीटा के, काट 90 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस बराबर होगा सेक थीटा, बराबर किसके होगा सेक थीटा। समझ में आया कि नहीं? कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। इस तरह से अगले
प्रश्न पर चलते हैं। साइन 180 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? बराबर साइन थीटा के होगा। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा के। टैन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा के। सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। और टैन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा। ये समझ में तो आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा मैंने यहां बताया था आल पॉजिटिव टैन साइन पॉजिटिव टैन पॉजिटिव और काट पॉजिटिव एस्टक आल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टैन पॉजिटिव और काट पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव। तो साइन 180 मतलब इसमें आएगा तो केवल टैन यहाँ पॉजिटिव होगा बाकी सब निगेटिव होंगे। तो आप इसको यहाँ पे माइनस साइन थीटा लिखेंगे। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा के। टैन 180 प्लस थीटा बराबर टैन थीटा के, ये पॉजिटिव होता है। काट 180 प्लस थीटा बराबर काट थीटा के। सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा के। कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज क्या है? साइन 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के। टैन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा के। टैन 360 माइनस थीटा बराबर प्लस टैन थीटा। नहीं नहीं 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा का होगा। ये आपका माइनस
साइन थीटा के, काट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा के, सेक 360 360 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा के, अब कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, केवल इसमें सेक और कास पॉजिटिव होगा, सेक और कास पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये चित्र है, इसको समझ लो। एल आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कास पॉजिटिव, तो 360 यहां तक होगा, तो 360 माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड हुआ, ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट हुआ, तो फोर्थ में कास पॉजिटिव हो जाता है, जब कास पॉजिटिव हुआ तो उसका सेक भी पॉजिटिव होगा। ये सूत्र हैं, याद करने के तरीके हैं, इन सारे सूत्रों को आपको याद करना होगा, बिना याद किए हो नहीं पाए। आगे जो है चलते हैं, 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, क्यों हो जाएगा, मैंने ये बताया है, इसको ध्यान से देख लो। एस्टक एस्टक यहां तक 360 है, 360 प्लस जाएगा तो प्लस थीटा में साइन मतलब आल पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई निगेटिव नहीं होगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, टैन 360 प्लस थीटा बराबर टैन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा के, और काट 360 प्लस थीटा बराबर काट थीटा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एस्टक मतलब आल पॉजिटिव, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको जो है फोर्थ बोलते हैं, यहाँ तक 90 बनेगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आएगा तो फिर 90 हो जाएगा, कुल 360 हो जाएगा। 360 के बाद जब प्लस में जाएगा तो आल में जाएगा, और आल में जो है सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में तो आ गया होगा। ये सारे सूत्र अति महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, इनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। एक फार्मूला और है जो मैंने नहीं बताया, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस, अब काट थीटा इसी का उल्टा होता है, वन अपान टैन थीटा होता है, तो इसमें कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन नीचे हो जाएगा। बस यही इतने महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको कि आप अगर कायदे से जान लेंगे तो लगभग सारे सवालों को हल कर ले जाएंगे। और कुछ है वो नहीं,
ये सारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है आपके मेंटल पर। अगर आप मेंटली रूप से प्रिपेयर हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसी पर हम आपको एक सवाल एनडीए लेवल का पढ़ाने के उद्देश्य से एंट्रेंस एनडीए कॉर्नर यहाँ लिख दे रहे हैं। एन अब चूंकि आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यह मेरी आपसे विनती मानिए चाहे आग्रह मानिए। और आप हमारे शिष्य हैं इसलिए हम आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवा देते हैं। जैसे बेटा उसमें पूछ दिया जाता है कि टैन 70 माइनस टैन 20 माइनस 2 टैन 40, और यहाँ विकल्प दे दिया जाएगा, एक दिया जाएगा 4 टैन 10, दूसर का विकल्प दे दिया जाएगा 3 टैन 20, तीसरा विकल्प दे दिया जाएगा 4 टैन 40, और चौथा विकल्प दे दिया जाएगा टैन 10, और पांचवा विकल्प दे दिया जाएगा नन। अब इसी पर आपको टिक करना है। अब तो आपका दिमाग भन्ना गया होगा कि गुरुजी कहां से इन प्रश्नों को उठा करके रख दिए। भाई आपने तो अभी टैन 30 का मान पढ़ा है, टैन 60 का मान पढ़ा है, टैन 90 का मान पढ़ा है, टैन 0 का मान पढ़ा है। ऐसे प्रश्नों को ला करके एनडीए की परीक्षा में रख देते हैं। एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में रख दिए 2024 में, तो आप कैसे हल करोगे इसको? इसको हल करने के लिए कुछ करना नहीं है बच्चा, बस वही टैन ए माइनस बी का फार्मूला आपको अख्तियार कर देना है। देखो बहुत आसानी से समझाएंगे हम। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये लिखा गया। अब खास बात ये है कि इसको 2 मिनट के अंदर हल करना है, क्या 1 मिनट के अंदर हल करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे टैन 70 माइनस टैन 20, अब उसी सूत्र का उपयोग कर देंगे, 1 प्लस टैन 70 इंटू टैन 20 लिख देंगे, इसका यहाँ पे गुणा कर देंगे 1 प्लस टैन 70 टैन 20, और यहाँ पे 2 टैन 40। जब इसको हल करेंगे तो ये जो है टैन ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा, तो 70 में से 20 घट जाएगा टैन ए माइनस बी, तो ये 50 हो जाए। और इसकी जगह पे 1 प्लस यहाँ टैन 70 को लिख सकते हो काट 20, कैसे लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि टैन 90 माइनस, क्योंकि आप जानते हो, देखो यहाँ बता देना है, क्योंकि आप जानते हो कि tan 90 माइनस 20 ये जो है cot 20 के बराबर होता है, तो 90 में से 20 घटा दोगे तो tan 70 हो जाएगा, tan 70 बराबर cot 20 के, तो cot 20 यहाँ लिख दिए, tan 70 की जगह पे ये टैन 70 है तो यहाँ cot 20 इंटू टैन 20 लिख दिए, और यहाँ पे माइनस 2 टैन
40 हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल है कट जाएंगे, एक एक दो हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 tan 50 - 2 tan 40 हो जाएगा। अब 2 को कॉमन ले लीजिए, फिर उसी प्रक्रिया को आप रिपीट कर देंगे, तो जब 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ वही प्रक्रिया रिपीट कर देंगे, तो यहाँ पे tan 50 - tan 40 upon 1 plus tan 50 tan 40 हो जाएगा, यहाँ पे 1 plus tan 50 tan 40 हो जाएगा। अब इसकी जगह पे आप लिख दोगे क्या, 50 में 40 घटा दोगे तो 2 tan 10 आ जाएगा। अब कोष्टक में 1 plus tan 50 जो है, tan 40 कट जाएगा, एक हो जाएगा, एक एक यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को आप तैयार करोगे, क्योंकि tan 90 - 40 = cot 40, तो ये tan 50 = cot 40 के, तो वही tan 50 जगह cot 40 कर दोगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, एक एक 2 हो जाएगा। लेकिन 10 में गुणा नहीं होता है, इस 2 का गुणा इसमें होगा, 2 × 2 tan 10 हो जाएगा, आंसर ये सही हो जाएगा। 2 में 2 गुणा करोगे तो 4 tan 10, तो यहाँ लिखोगे आंसर 1। ओके, क्या होता है यहाँ पे, एक गोला होता है, इसी को काला करना होता है, ऐसे टिक भी नहीं लगाया जाता सीट पे, वही सही। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सेकेंडों में हल करने होते हैं। तो अगर फार्मूले आपके पास नहीं है, तैयार नहीं है, तो आप हल नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कभी पूछ दिया, आपके लेबल का ही प्रश्न है एक, जैसे पूछ दिया कि sin 750 degree का मान क्या होगा, एनडीए का है दूसरा क्वेश्चन। एनडीए एंट्रेंस एग्जाम विकल्प दे दिया यहाँ पे, 1/2, 1/4, 3/4 2/3। अब हल करना है, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप कैसे हल कर पाओगे इसको, देखो कैसे करना है इसको। इसको हल करने के लिए साइन साइन 360 प्लस 360 प्लस 30 लिखेंगे, 360 360 720 हो जाएगा, या यहाँ पे
ऐसे लिख देंगे, इसको सेकेंडों का सवाल है, 360 + 360 + 30 कोष्टक बंद, को लिख सकते हो साइन 360 + 30। अब यहाँ पे आप साइन 360 + 30 को साइन 30 लिखोगे, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो आंसर पहला सही होगा। इस तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है घुमा फिरा कर। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और हम बता करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि साइन 15 डिग्री का क्या मान है, साइन 15 डिग्री का क्या मान होगा। एनडीए एंट्रेंस का है। अब लड़का घबरा जाएगा। अब अगर उसको फार्मूला पता है कि साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन, तो हल कर लेगा। अब यहां पर ए बराबर 45 लिखेगा और बी बराबर 30 लिख देगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, साइन 45 - 30 = क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे कि कुछ और लिखोगे, साइन ए कास बी, तो इसको लिखोगे साइन 45 cos 30 - cos 45 sin 30। तो साइन 45 में क्या मान होता है, 1/√2 होता है, कास 30 में करडीम 3/2 होता है, कास 45 में 1/√2 होता है, और साइन 30 में 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/2। तो अब यहाँ पे आ गया 2√2 कॉमन ले लिया, √3 - 1 हो जाए, 1 का 1 में गुणा किया 1 हुआ, √3 में 1 का गुणा किया √3 हुआ, क्योंकि 2√2 यहाँ भी है, 2√2 यहाँ एलसीएम हो गया। अब इस √2 को हटाने के लिए √2 का ऊपर गुणा और √2 का नीचे गुणा हो जाएगा। अब ऊपर गुणा करोगे, ऊपर गुणा करने की क्या जरूरत है, लगभग यही मान ही होता है हमारी समझ, इसको साइन 15 ये मान आपको याद करना होगा, साइन 15 क्या करोगे, रेशनलाइज करने कोई जरूरत नहीं, यही मान होगा, साइन 15 का मान यही। अब तो समझ में आ गया होगा कि सर क्या बताना चाहते हैं। इसी तरह से कास 15 का मान निकालना होगा, तो कास 15 एनडीए इंट्रेंस है, इंट्रेंस एग्जाम, एनडीए इंट्रेंस एग्जाम के प्रश्न है। कास 15 का कैसे निकालोगे,
तो आप जानते हो जब फार्मूला पता रहेगा कास ए माइनस बी बराबर किसके होता है, कास ए माइनस बी बराबर किसके होता है। अभी सूत्र लिखाए हैं, इनको सबको याद कर डालो, पढ़ डालो, और बिना पढ़े होगा नहीं। कास ए माइनस बी बराबर कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे कास 45 माइनस 30 रखोगे तो यहाँ पे कास 45 कास 30 माइनस साइन 45 और साइन 30 हो जाएगा। कास 45 का मान 1/√2, कास 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस लगा दो ना, तो √3 प्लस 1/√2 ये आंसर हो गया। तो ये सब टेक्निकें हैं आपको जिनको लगाना हो। और बिना इनके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल नहीं होंगे। तो आज का चैप्टर हम यहीं पर क्लोज करते हैं। और हाई स्कूल लेवल के जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हैं मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं इस सेशन में। और हम अपेक्षा करते हैं कि आप मेरे चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, समझेंगे, बात समझ में आएगी तो आप इसको बार बार अपने मित्रों को, यारों को, दोस्तों को शेयर करेंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षाओं, जो क्लास 1 अफसर आपको बनाती है। सबसे कम उम्र में आप इंडिया के सबसे बड़े अफसर के रूप में बन के तैयार किए जाते हैं, जिसकी पहली परेड देहरादून में होती है, नेशनल डिफेंस अकादमी है देहरादून उत्तराखंड में। और आपको यह जानना आवश्यक है कि सबसे कम उम्र में सबसे अच्छी अगर सर्विस में जाना है तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा है, जो आपको क्लास 1 की पोस्ट देती और देश की रक्षा भी होती। तो हमारे बहादुर छात्रों, नौजवान, आपसे मेरा आग्रह है कि मेरे पीएस साइंस अकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने यारों दोस्तों को बता दीजिएगा। हम अब आपको हाई स्कूल लेवल पर जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको सेशनवार आपको ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम आपको शेयर करते रहेंगे, निःशुल्क करते रहेंगे। आप मेरे चैनल को देखिए, बस केवल सब्सक्राइब करिए। लिखने में कहीं अगर त्रुटि हो जाती है तो उसको थोड़ा सा आप लोग जो है समझ लिया करिएगा कि सर के लिखने में कहीं हल्की सी त्रुटि हो गई है, समझाने में कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी, यह मेरा दावा है। कभी कभी लिखने में होता है कि जल्दीबाजी में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लिया करिएगा, ये मानवीय भूल है। बाकी जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ प्रिपेयर कराया जाएगा एनडीए के लिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए। आपको जो है एसएसबी कैसे देनी है, आपको किस तरह से प्रेजेंट होना है अफसरों के सामने, सबकी एक प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे हल्की सी दी जाएगी, बताई जाएगी कि एंट्रेंस कैसे होना है, आपको बैठना कैसे है, इंटरव्यू कहाँ से होगा।
रेलवे स्टेशन से आपको गाड़ियां लग जाती हैं लेने के लिए, ले जाने के लिए, क्लास वन अफसर आप बन जाते हैं। तो पता लगा कि सरकारी बस आई मिलिट्री की और भेड़ियों की तरह आप उस पर चढ़ गए, तो वो भी अच्छा नहीं है। चूंकि अब आप क्लास वन अफसर हैं तो आपको वेट करना चाहिए जब कोई वहां पे आपको इन्फॉर्म करे कि आपको चलना है एकेडमी में, तभी आप चलिए। आप केवल रिपोर्ट कर दीजिए कि सर हम यहाँ पे आ गए हैं और हम इंटरव्यू के लिए आए हैं। इंटरव्यू में 7 दिवसीय ट्रेनिंग होती है आपका, उसमें यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो हम आपको बेसिक से कंप्लीट करा देंगे कि कैसे कैसे आपको वहाँ पर जो है वहाँ तक पहुँचना है, जाना है, मेहनत करना है। मेन चीज़ तो एजुकेशन ही है। नो लाइफ आप विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के जीवन का कोई महत्व नहीं। इसलिए धन्यवाद आपको सभी को। जय हिंद, जय भारत।